जिन ब्राह्मण वादियों ने शूद्र वर्ण का इस्तेमाल किया या शूद्र वर्ण की शुरुआत की, उन्हीं लोगों ने शूद्र वर्ण के लोगों पे तरह तरह के अत्याचार करने का उन्होंने प्रयास किया। आपने देखा होगा कि हरियाणा में HSIIDC में लगभग हजारों सीटों पर SC कैंडिडेट के बारे में ये कह दिया गया कि नॉट सूटेबल कैंडिडेट फाउंड, कि आज से ये प्रण कर लो और कसम खा लो कि किसी भी कीमत पे ब्राह्मणवादी पार्टी और उसके प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, वोट हम सिर्फ और सिर्फ बहुजनों को देंगे। तब बहुत कुछ हो सकता है जो आज मंचों से बात कर रहे हैं बहुजनों की, क्योंकि अगर ये जब तक घर तक नहीं निकलेंगे, डोर टू डोर नहीं करेंगे, घर घर जाकर के लोगों को समझाएंगे नहीं, तो ये भीड़ भीड़ रह जाएगी। लेकिन अगर ये लोग वास्तविक रूप से लोगों को जगाने का काम करेंगे तो 2024 में सरकार बहुजनों की हो सकती है। और दलाल किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ अपना होता है। जिन राजनीतिक पार्टियों से जीत के गए हैं वो राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, और ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियां जितना उनको बोलने का अधिकार देती है ये उतना ही बोल सकते हैं। तो ये वहाँ पे चरण चुंबन करने गए हैं। देखिए, देश में जो नफरत की बात की जा रही है, एक्चुअली ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की उपज है। ब्राह्मणवादियों ने 17वीं सदी के बाद, जब आप देखोगे उससे पहले ये भारत जो था वो बौद्धमय भारत था, और बौद्धमय भारत की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे लोग प्रेम से, वहाँ सहिष्णुता थी, वहाँ लोगों के बीच में अच्छे व्यवहार थे। लेकिन जब से ब्राह्मणवादी लोगों ने इन बौद्धों को ख़त्म करके, चाहे उनको मार करके, चाहे उन्हीं बौद्ध लोगों को हिंदू बुला करके, और इन लोगों ने जब अपना सत्ता कायम करने का प्रयास किया, उसके बाद से लगातार इस देश में असहिष्णुता देखने को मिलती है। यहाँ पे जिन ब्राह्मणवादियों ने शूद्र वर्ण का इस्तेमाल किया या शूद्र वर्ण की शुरुआत की, उन्हीं लोगों ने शूद्र वर्ण के लोगों पे तरह तरह के अत्याचार करने का उन्होंने प्रयास किया, जो आजकल हम लोगों को कई रूप में, चाहे बहुजन या दलित बेटियों के रेप, हत्या, बलात्कार और उनकी असमत को लूटने की कहानी हो, चाहे लोगों के हक और हकूक के लूटने की कहानी हो। अभी मैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 7500 कुछ वैकेंसियां निकली हुई है। उसमें जब आप देखोगे तो ऐसा पता चलता है कि 7000 वैकेंसियों में 10% आबादी वाले ब्राह्मणवादियों, जिनको कि 10% आरक्षण दिया जाता है, उनके लिए 810 सीटों की व्यवस्था की गई है, और OBC समाज जो शूद्र वर्ण में आता है उनके लिए लगभग 27% का आरक्षण की व्यवस्था है। उनको मात्र 419 के या 29 सीटें दी जा रही है। तो मुझे नहीं समझ में आता है, तो तब मैं कहना चाहता हूँ अपने लोगों से कि ये भी तो एक तरह की हकमारी है, ये भी तो एक तरह की जाति है। किसी के अधिकारों को मारा जा रहा है, किसी हक को मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में HSIIDC में लगभग हजारों सीटों पर SC कैंडिडेट के बारे में ये कह दिया गया कि नॉट सूटेबल कैंडिडेट फाउंड। इसका मतलब ये ब्राह्मणवादियों की साजिश है। भारत में लग रहा है दलितों का कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे आज यहाँ पे जंतर मंतर पे हजारों के तादाद में दलित लोग आए हुए हैं, ये भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ये मानना है कि यही दलित जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ से निकल करके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाएं और घर घर जा कर के अपने लोगों को जागृत करने और संगठित करने का काम करें, और उन्हें ये बताएं, समझाएं और सिखाएं कि आज से ये प्रण कर लो और कसम खा लो कि किसी भी कीमत पे ब्राह्मणवादी पार्टी और उसके प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, वोट हम सिर्फ और सिर्फ बहुजनों को देंगे। तब बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुजनों की आबादी लगभग 90% है। 2024 में क्या होगा ये बहुजनों को तय करना है।
और खास करके उन लोगों को तय करना है जो आज मंचों से बात कर रहे हैं बहुजनों की, क्योंकि अगर ये जब तक घर तक नहीं निकलेंगे, डोर टू डोर नहीं करेंगे, घर घर जाकर के लोगों को समझाएंगे नहीं, तो ये भीड़ भीड़ रह जाएगी। लेकिन अगर ये लोग वास्तविक रूप से लोगों को जगाने का काम करेंगे तो 2024 में सरकार बहुजनों की हो सकती है। देखिए मायावती के बारे में, चूंकि वो हमारी हैं और मैं तो ये मानता हूं कि कई बार अपने लोगों की मजबूरियां होती है और रहती है, तो कई बार मैं उनकी बातों को दरकिनार कर देता हूं और उस पर मैं ज़्यादा कोई कमेंट करने का इच्छा नहीं रखता। फिर भी लोग लगातार कह रहे हैं कि लगातार कहती है हमारा वोट वहाँ चला जाता है, उनका वोट इधर नहीं आता है। देखिए जब तक इस देश के 85% वोटों को एक साथ एकत्रित नहीं किया जाएगा, ये ब्राह्मणवादी लोग ही इस देश पे राज करेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। देश का एससी और एसटी तो एससी तो बाबा साहब को समझ रहे हैं, लेकिन ओबीसी को कहाँ समझ रहा है? बाबा साहब को तो मानना पड़ेगा ओबीसी के लोगों को भी, क्योंकि उसके अलावा उनके पास यहाँ जो लूटने वाला सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा लूटने और जिनके अधिकारों को ये ब्राह्मणवादी ख़त्म कर रहे हैं वो लोग ओबीसी के लोग ही हैं। क्योंकि जैसा आपको मैंने दिल्ली पुलिस में बताया, ईपीएफओ में भी यही हाल है, 10% ईडब्ल्यूएस वाले को ज़्यादा सीट दी गई है और 27% ओबीसी वालों को कम सीटें दी गई है। वैसे ही अभी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 24 सीटें निकली हुई है, 10 सीटें ईडब्ल्यूएस को दी गई है और मात्र 2 सीटें ओबीसी को दी गई है। तो मैं तो कहता हूँ कि ओबीसी के लोगों तुम जाग जाओ, तुम्हें ये ब्राह्मणवादी सबसे ज़्यादा छल रहे हैं। लगातार जो एक कहते हैं इतने सारे नेता हैं, 120 सांसद भी हैं, लेकिन वो लगातार अत्याचार, शोषण, बलात्कार बहुजनों के साथ हो रहे हैं, उनकी हकमारी हो रही है, चाहे वो शिक्षा के मूल क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, लेकिन आवाज़ नहीं आती है, सब शांत। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुजनों के MP हैं, ये दलाल हैं, और दलाल किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ अपना होता है। जिन राजनीतिक पार्टियों से जीत के गए हैं वो राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, और ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियां जितना उनको बोलने का अधिकार देती है ये उतना ही बोल सकते हैं। तो ये वहां पे चरण चुंबन करने गए हैं, SC ST OBC का भलाई करने नहीं गए हैं। लेकिन भाई दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है ना, एक तरफ बहुजन के इतने सारे नेता हैं, पार्टियां हैं, और बाबा साहब का स्लोगन के शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन ये सब संगठित क्यों नहीं होते, क्या रीज़न रहा होगा? विचारधारा सबकी एक है। किसकी विचारधारा एक है? देखिए इसमें एक काम करना पड़ेगा कि हम सब लोगों को अपना निजी स्वार्थ को त्याग कर सबको संगठित होना पड़ेगा, और अगर नहीं होंगे तो जिस प्रकार से आज ये ब्राह्मणवादी जिनकी आबादी 3 से लेकर 7% है, यही लोग आगे भी इस देश में राज करते रहेंगे।